खरगोन के ग्राम उन में हिंदू नववर्ष की गुड़ी पड़वा पर गौ माता का पूजन कर गौ माता के भंडारे का आयोजन रामलीला चौक में किया गया। इसमें ग्राम की सभी गाय और नंदी को गुड़ की थूली का प्रसाद खिलाया गया। गौ भंडारे के आयोजनकर्ताओं ने बताया कि यह भंडारा आसपास क्षेत्र का पहला भंडारा है। गौ माता के नाम पर भंडारा होता है जो महालक्ष्मी मंदिर पर गोपाष्टमी पर होता है, जिसमें गौ माता के लिए प्रसाद नहीं बनता है, लेकिन ग्रामीणों द्वारा विचार किया कि क्यों न हम इस बार हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा पर गौ माता का भंडारा किया जाए, जिसमें ग्रामीणों द्वारा सहयोग मिला। भंडारे में 1000 से अधिक गाय माताओं को गुड़ की थूली का प्रसाद खिलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ये आज किस तरह का भंडारा रखा गया? आज ग्राम उन में पुरातन मंदिरों की नगरी में गुड़ी पड़वा के पावन पर्व पर इस एरिया में 57 गांव के एरिया में, जहां तक एक हमारा अनुभव है युवा साथियों का, ग्राम वासियों का, कि ये पहला गौ माता का भंडारा किया जा रहा है। गौपाष्टमी के पावन पर्व पर गाय के नाम पर भंडारा होता था महालक्ष्मी मंदिर पर गांव वालों ने ये सोचा कि क्यों नहीं गाय के नाम का ही भंडारा किया जाए, गाय को ही खिलाया जाए। ये हमारे एरिया का सबसे सर्वप्रथम पहला भंडारा है। इस भंडारे में पूरे गांव का सहयोग है और इस भंडारे में प्रसादी के लिए 8 क्विंटल गेहूं और 4.5 क्विंटल गुड़ का उपयोग किया गया है और बनाने में सारे गांव के लोग युवा साथियों का सहयोग रहा है। क्या नाम है आपका? सुनील पाटीदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।